अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल कॉर्नर में खुश आमदीद। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आज मैं आपको ड्रामा सीरियल चांद की परियां की फुल एपिसोड बताऊंगी और लास्ट एपिसोड बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको पूरे ड्रामे का रिव्यू देती चलूं। इस ड्रामे में दिखाया जाता है कि एक नशा करने वाला शख्स किस तरह से अपने पूरे खानदान को तबाह कर देता है, कि जो लोग जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, वो किस तरह अपने साथ साथ अपने साथ रहने वाले लोगों का भी जीना हराम कर देते हैं। इस ड्रामे में मेन करैक्टर इकबाल का है, जिसकी तीन बेटियां हैं और वो अपनी बीवी पर बहुत जुल्म करता होता है, उसे बहुत मारता पीटता होता है, घर में पैसा नहीं देता होता, लेकिन अपनी बीवी को मारकर उससे पैसे ले जाता होता है और जुए में उड़ा देता है। रात में नशा करके घर आता है और फिर बीवी को मारता है और फिर उससे पैसे ले जाता है। बेटियां भी रोज़ यही तमाशा देखती हैं। सबसे बड़ी बेटी हिना, जो कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और वहां से पैसे लेती है और अपने घर का सर्कल चलाती है। उसकी माँ भी मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्चियों का और अपना पेट पालती है और साथ साथ अपने जुआरी शोहर का भी पेट पालती है और उसके जुए और नशे के लिए भी उसे पैसे देती है, और अगर कभी इनकार कर दे तो उसकी मार में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। फिर एक दिन यूं होता है कि हिना का रिश्ता लेने आते हैं। उन लोगों को हिना बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अभी वो लोग यहीं बैठे होते हैं कि हिना का बाप इकबाल आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाता है। बीना और मोना, जो कि हिना की छोटी बहनें हैं, वो अपने बाप को रोकती हैं कि अब्बा आप अभी अंदर ना जाइए, हिना आप ही को देखने कुछ लोग आए हैं। तो वो कहता है मैं क्यों ना अंदर जाऊँ, और अंदर जाता है और नशे की हालत में अंदर जाकर बहुत बदतमीजी करता है और उनसे कहता है कि निकल जाओ यहाँ से, और उन्हें घर से निकाल देता है। ये सब कुछ देखकर हिना की माँ बहुत ज़्यादा रोती है और उन लोगों को रोकती है, पर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि कुछ दिन बाद दोबारा से वही लोग हिना का रिश्ता लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा कहता है कि हम इस लड़की को क्यों सजा दें इसके बाप के किए की। और इतने में ही दोबारा से इकबाल आ जाता है। बीना और मोना फिर से उसे मना करती हैं कि पिछली दफ़ा की तरह तमाशा मत कीजिएगा, लेकिन इस दफ़ा वो नशे में नहीं होता तो कहता है कि तुम लोग परेशान ना हो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, बस जाऊँगा और जाकर बैठ जाऊँगा। और वो अंदर आता है और सबसे माजरत करता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने उस रवैये से, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे किए की सज़ा मेरी बेटियों को नहीं दी। जिस पर वो लोग कहते हैं कि हमें आपकी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद है, और हिना का रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि जग्गा नामी शख्स, जो कि लड़कियों का कारोबार करता है और जुआ खेलता है और बहुत बड़ा नशेई है और जुआरी भी, वो इकबाल का पता करने उसके घर पहुंचता है तो दरवाज़ा खोलने हिना जाती है और जग्गा का उस पर दिल आ जाता है। तो वो इकबाल से कहता है कि तू अपनी बेटी मेरे हवाले कर दे, तूने मेरा जितना भी कर्ज़ा देना है वो मैं तुझे माफ़ कर दूँगा। जिस पर इकबाल कहता है कि ऐसे कैसे, मेरी बहुत शरीफ बच्चियां हैं और अब तो उसकी शादी तय हो चुकी है। जिस पर जग्गा कहता है कि तू अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा दे और उसके बदले में जितना पैसा तुझे चाहिए मैं तुझे देने को तैयार हूँ। इकबाल का दिल फिसल जाता है जैसे ही वो पैसों का सुनता है, तो पैसों के लालच में आ जाता है और अपनी बेटी हिना का सौदा कर देता है। फिर एक दिन हिना की जहां शादी होने वाली होती है उन पर फायरिंग होती है और उन लोगों को भी अंदाज़ा हो जाता है
कि ये सब कुछ इकबाल का ही किया धड़ा है। और दूसरी तरफ हिना को अगवा कर लिया जाता है। हिना की माँ और बहनें बहुत ज़्यादा परेशान होती है। हिना को कैद करके रखा जाता है, फिर उससे निकाह किया जाता है और ये सब कुछ वही जग्गा करता है। और हिना के सामने जब ये असलियत खुलती है कि उसका सौदा और किसी ने नहीं बल्कि उसके अपने बाप ने किया है, वो तो जीते जी मर जाती है। दूसरी तरफ इकबाल अपने घर वालों की नज़र में अच्छा बनने के लिए हिना को ढूंढता रहता है, लेकिन वो पुलिस में कंप्लेन नहीं करता। तो हिना की माँ खुद जाकर पुलिस में कंप्लेन करती है और हिना को ढूंढने के लिए खुद बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। लेकिन एक दिन जहाँ से हिना का रिश्ता आया होता है, वो लोग आकर कहते हैं कि अब बस, अब सब कुछ ख़त्म, हमें अपने बेटे की जान बहुत प्यारी है, अगर वो अब आपके घर आए तो उसे धक्के देकर निकाल दीजिएगा, आप भी एक बेटी की माँ हैं, आप जानती हैं अच्छे तरीके से कि औलाद का दुख बहुत बुरा होता है। हिना की माँ बस रोती रहती है। और एक दिन नशे में इकबाल घर आता है और आकर हिना की माँ पर तशद्दुद करता है और नशे की हालत में ही सारी की सारी बात कि उसने अपनी बेटी का सौदा किया है और उसे बेच दिया है, वो अपनी बीवी को बता देता है। और जैसे ही हिना की माँ ये सब कुछ सुनती है, वो खुदकुशी कर लेती है। और खुदकुशी का तो इकबाल ने ढिंडोरा पीटा होता है, बल्कि उसका तो हार्ट फेल हो जाता है जैसे ही अपनी बेटी के बारे में सुनती है। और इकबाल अपनी बेटियों को यही बताता है कि तुम्हारी माँ ने खुदकुशी कर ली। उसकी बेटियों का भी बहुत बुरा हाल होता है कि पहले उनकी बहन उनसे बिछड़ गई और अब माँ इस दुनिया में नहीं रही। फिर दिखाया जाता है कि इकबाल अपनी बेटियों की नज़र में अच्छा बनने के लिए उनके साथ मोहब्बत से पेश आता है। बीना कहती है कि पहले जिस तरह आप ही इस घर का खर्च चलाती थी, अब मैं चलाऊंगी, मैं नौकरी की तलाश में जाऊंगी। लेकिन उसका बाप कहता है कि नहीं बेटा, बाहर भेड़िए हैं, तुम यहाँ कहाँ धक्के खाओगी, मैं कुछ ना कुछ खुद ही कर लूँगा। लेकिन बीना बाहर निकलती है। दूसरी तरफ बीना के साथ जग्गा का रवैया कुछ अच्छा नहीं, वो चाहता है कि हिना एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारे उसके साथ, जिस तरह हर बीवी अपने शोहर की खिदमत करती है, हिना भी ये सब कुछ फिर अच्छे से करने लग जाती है ताकि इसकी नज़र में अच्छी बनकर अपने घर जा सके। और एक दिन उससे कहती है कि मुझे मेरी माँ से मिलना है, तो जग्गा कहता है कि हाँ, ताकि तू अपने माँ से मिलकर रोए और उसे सारी की सारी बात बता दे कि उसके शोहर ने ही तुझे बेचा है। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। फिर एक दिन हिना जब देखती है कि जग्गा सो गया है, तो वो उसके तकिए के नीचे से चाबी निकाल कर घर से भाग जाती है। जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा बजाती है, तो पीछे से जग्गा भी पहुंच जाता है। मोना दरवाजे की आवाज़ सुनकर उठ जाती है और बीना से कहती है कि मुझे लग रहा है हिना आपी हैं। तो बीना बाहर जाने से इनकार कर देती है कि मैं अब्बा को उठाती हूँ। तो मोना कहती है अब्बा नहीं आएंगे। उन दोनों के वहाँ पहुँचते तक हिना को वापस जगह ले जाता है। और फिर एक दिन जगह हिना को किसी और के हाथों बेच देता है। हिना किसी तरीके से वहाँ से भाग जाती है और फिर एक गाड़ी के आगे आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिस गाड़ी के आगे आती है, वो उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसका फौरी इलाज शुरू कर दिया जाता है। हिना की जान बचाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है डॉक्टर्स के लिए। डॉक्टर्स कहते हैं कि आप बस दुआ कीजिए कि पेशेंट बच सकें। जिससे हिना का एक्सीडेंट हुआ होता है, उस लड़के का नाम आज़ाद होता है। उसकी दादी उसका बहुत साथ देती हैं और जब हिना को होश आता है, तो वो अपनी याददाश्त खो चुकी होती है, जिसका आज़ाद को बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन आज़ाद की मंगेतर रीमा उसको
ये सब कुछ बहुत अजीब लगता है। वो कहती है कि ये सब कुछ एक प्लानिंग है। आज़ाद उस लड़की से शादी करना चाहता है, तो दादी भी उसकी बातों में आ जाती हैं और कहती हैं कि अब इसको होश आ गया है, तो तुम इसको घर मत लेकर आना। दूसरी तरफ जग्गा इकबाल के घर आ जाता है और कहता है कि बता कहाँ है हिना। लेकिन इकबाल को हिना का कुछ अता पता नहीं होता। वो कहता है कि मैं नहीं जानता हिना कहाँ है। इतने में पीछे से मोना भी कुछ बातें सुन लेती है और जब ये दोनों घर से चले जाते हैं और बीना आती है, तो मोना बीना से कहती है कि हिना अप्पी के बारे में ही वो बदमाश कुछ बात कर रहा था। मुझे लगता है कि अब्बा हिना अप्पी के बारे में जानते हैं लेकिन हमें बताते नहीं। जिस पर बीना कहती है कि मोना ये तुम कैसी बातें कर रही हो, अब्बा बदल चुके हैं, अब्बा पहले जैसे नहीं रहे। दूसरी तरफ इकबाल और जगा हिना को दर बदर ढूंढते हैं और फिर एक हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां से यही दिखाया जाता है कि हिना उन्हें मिल गई है, लेकिन ये सब कुछ एक वहम होता है। हिना आज़ाद के साथ ही होती है। दूसरी तरफ जहां जग्गा ने हिना का सौदा किया होता है, वो जग्गा को बहुत तंग करते हैं कि हमें हमारा पैसा या तो डबल करके वापस दे या वो लड़की दे। और जग्गा ने इकबाल का जीना हराम किया होता है कि या तो हिना दे या उसके बदले अपनी दूसरी बेटी दे, तो वो कहता है मैं अपनी बेटी क्यों दूँ, पैसे तो मैंने हिना के लिए थे, अब मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। तो इकबाल जिद पे अड़ जाता है कि मैं नहीं जानता कि हिना कहाँ है। तो जग्गा कहता है मुझे अपने घर ले चल, मैं तेरे घर की तलाशी लूँगा। तो जब वो घर आता है, उसका दिल बिना बे अटक जाता है और वो कहता है इकबाल से कि मुझे अब तेरी यही बेटी चाहिए। दूसरी तरफ आज़ाद हिना को लेकर उस रोड पर आ जाता है जहां पर उनका एक्सीडेंट हुआ था और कहता है ये लो कुछ पैसे, अपने घर चली जाना, और वहां से चला जाता है। जब घर जाता है तो घर वाले पूछते हैं छोड़ा है उसे, तो कहता है हाँ जाहिर सी बात है, लेकिन उसका दिल बहुत उदास होता है कि वो लड़की कहाँ जाएगी, उसको तो अपने घर का पता ही नहीं, उसकी तो याददाश्त चली गई है। उसी वक्त वहाँ से बिना बस पर गुजर रही होती है और उसकी नज़र हिना पर पड़ती है, लेकिन बस के रुकते रुकते ही आज़ाद वहाँ पहुँच जाता है और हिना से कहता है तुम अभी तक गई नहीं। तो हिना कहती है कहाँ है मेरा घर, मुझे बता दीजिए। तो आज़ाद उसे लेकर अपने साथ चला जाता है और बिना ये अपना वहम समझती है और कहती है कि अब तो मुझे हर लड़की में ही हिना आपी नज़र आने लगी हैं। दूसरी तरफ जब आज़ाद उसे लेकर घर आता है, तो एक और फसाद बर्पा हो जाता है। रीमा बहुत से इल्ज़ाम लगाती है लेकिन आज़ाद किसी की एक नहीं सुनता और रीमा को रूम में ले जाता है, जिस पर दादी रीमा को और अपनी बहू को समझाती हैं कि तुम लोगों को हौसले से काम लेना पड़ेगा, इस तरह तो तुम लोग आज़ाद की नज़रों में ही गिर जाओगी, तुम्हें अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा। अगर यही बात है कि आज़ाद उससे शादी करना चाहता है, तो मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, उसकी शादी रीमा से ही होगी। तो वो लोग भी ढोंग रचा लेती हैं लेकिन रीमा ऐसा नहीं करना चाहती और वो कहती है कि हमें इस लड़की के बारे में पूछना चाहिए और उसकी तलाश शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ इकबाल अपनी बेटियों से कहता है कि मैं बहुत मजबूर हुआ पड़ा हूँ, और फिर एक दिन मोना को बहुत मारता है और उससे पैसे ले लेता है। वो पैसे उसने अपनी बालियां बेचकर लिए होते हैं, जिस पर वो कहता है कि तुमने मेरे पैसे चोरी किए हैं। जब अगले दिन वो घर आता है तो बीना पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि मैं पुलिस वाले को इसीलिए लेकर आया था। दरअसल वो जग्गा को पुलिस वाला कहकर लेकर आया होता है और अगर मुझे मोना पर शक होता तो मैं पुलिस वाले को क्यों लेकर आता, तुम लोगों को क्या पता कि वो कितनी बड़ी रकम थी, 35,000 रुपया था, और तुम्हें क्या पता मैंने क्या चीज बेच कर वो पैसे लिए थे। तो वो कहती है कि बताएं अब्बा आपने क्या बेचा, तो वो कहता है मैंने अपना कुर्ता बेचा है, जिस पर बीना और मोना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है ये तो उसका एडवांस था।
बीना और मोना कहती हैं आप अपना गुर्दा नहीं बेचेंगे, हम किसी भी तरह करके ये पैसे उतार देंगे। बीना कहती है मैं लेकर आऊँगी पैसे, जैसे मर्जी करना पड़े। और ये सब कुछ सुनकर तो एक बार खुशी से पागल ही हो जाता है। बस दो आंसू बहाने की देर थी और मेरी बेटियां तो अपने मुंह का निवाला भी मेरे मुंह में डाल देंगी। फिर दिखाया जाता है कि इकबाल अगले दिन घर से जाने लगता है तो कहता है कि मैं बाहर से ताला लगा कर जाऊँगा। तो बीना कहती है अब्बा ऐसा ना कीजिए, हम अंदर से कुंडी लगा लेते हैं और नहीं खोलेंगे। तो इकबाल कहता है मुझे उस पुलिस वाले की नीयत सही नहीं लगी। फिर दिखाया जाता है इकबाल को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और घर में ताला लगा होता है। इकबाल अपनी बेटियों की तस्वीर लेकर गया होता है ताकि उनके अच्छे से दाम ले सके। दूसरी तरफ जगह जब घर पहुंचता है उसकी बेटी को उठाने तो बाहर से ताला देकर चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि आज़ाद की माँ और उसकी मंगेतर रीमा हिना की तस्वीर खींच कर सोशल मीडिया पर दे देती हैं कि अगर कोई इसको जानता हो तो हमसे कॉन्टैक्ट करे। और बीना देख लेती है वो तस्वीर और उनसे कॉन्टैक्ट करती है। इन्हीं दिनों में हिना की याददाश्त भी वापस आ जाती है और बीना और मोना भी उसको मिल जाती हैं। तो वो अपने बाप की असलियत उनके सामने रखती है। उसका बाप फिर से चाहता है कि हिना को जगह के हवाले कर दिया जाए, लेकिन आज़ाद के दिल में जागी हुई हिना की मोहब्बत उसे ऐसा करने कभी भी नहीं देगी। आज़ाद को रीमा का रवैया एक आंख नहीं भाएगा और रीमा के रवैये की वजह से वो उसकी नज़रों से गिर जाएगी और आज़ाद अपने ख़ानदान की दुश्मनी मोल लेकर उनकी नाराज़गी लेकर फिर भी हिना से शादी कर लेगा और हिना अपनी बहनों को वहां से ले जाएगी। दूसरी तरफ जग्गा ने जहां हिना का सौदा किया था वो जग्गा को जान से मार देंगे और हिना का बाप जो जुआरिया है वह जुए के केस में अंदर चला जाएगा। हिना अपनी बहनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। ये था चांद की परियां का लास्ट एपिसोड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।